गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक है। और एक गुड न्यूज़ है, स्कूल खुलने वाले हैं, पता तो लग ही गया होगा ना आपको, ठीक है। तो 16 से स्कूल ओपन हो जाएंगे, तो उम्मीद करते हैं कि आगे खुले रहें ताकि अच्छे से पढ़ाई हो सके, डायरेक्ट कनेक्टिविटी एक बच्चे और टीचर के बीच में बन सके, ताकि हम आपको अच्छे से और अच्छे से समझा सकें क्लासरूम के अंदर, ठीक है। तो आज जो 10th क्लास है एनटीसी का तो कंप्लीट सिलेबस हो चुका है, पर जो बाकी जो अदर क्लास है उनके अंदर ये जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर मैं स्टार्ट करता हूँ। इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में। तो इस चैप्टर के बारे में हम बात करते हैं, तो पहले इसको सुनते हैं क्या होता है, कैसे होता है। तो यहाँ जब चैप्टर का नाम क्या है, वो सर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिमाग में निकल के आता है क्या कि सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। आपसे पूछता है कि सर व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, तो पहला क्वेश्चन यही निकल के आता है कि व्हाट इज केमिकल रिएक्शन। सर केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो वो सर केमिकल रिएक्शन जो होता है ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक इनिशियल जो कंपोनेंट है वो अपने में क्या करता है, चेंज करता है, ठीक है। तो एक इनिशियल कंपोनेंट चेंज टू फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है। मतलब केमिकल रिएक्शन वो प्रोसेस होता है जहां पर एक इनिशियल कंपोनेंट अपने आप में चेंज करके किस में चेंज कर लेता है, फाइनल प्रोडक्ट में चेंज कर लेता है। अब ये जो चेंज जो आता है ना, ये चेंज क्या कहलाता है सर? ये चेंज अपने पास में सर फिजिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये चेंज तो फिजिकल चेंज में जैसे बीपी हुआ, एमपी हुआ, ठीक है। तो इस चेंज के दौरान कंपोनेंट की आइडेंटिटी जो होती है ना, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता, मतलब विदाउट आइडेंटिटी लॉस किए हुए ये चेंज पॉसिबल हो जाता है। दूसरा एक चेंज और पॉसिबल हो सकता है जिसमें हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल चेंज। और जब भी केमिकल चेंज होगा तो मतलब वहां पर रिएक्टेंट कंपोनेंट जब अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज करेगा तो वो कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी क्या करेगा सर, लूज कर देगा। समझे मेरी बात को? मतलब क्या कह रहा है मेरे पास में कि सर यहां पर केमिकल रिएक्शन जो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक इनिशियल कंपोनेंट जो है वो क्या करता है, अपनी आइडेंटिटी में क्या करता है, चेंज कर लेता है ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज। और ठीक है, आइडेंटिटी मतलब केमिकल चेंज के दौरान अपनी आइडेंटिटी चेंज कर सकता है। अगर फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर बात की जा रही है तो वहां पर बीपी एमपी में उसकी आइडेंटिटी में इतना बदलाव नहीं आता, मतलब आइडेंटिटी लॉस की बगैर ही वो चीजें बने को मिल जाती हैं। तो मतलब केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर इनिशियल कंपोनेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं, वो चेंज हो जाता है किसके अंदर, फाइनल प्रोडक्ट के अंदर। और ऐसा जब होता है तो उस दौरान दो चेंज अपने को नजर आते हैं, एक चेंज अपने को नजर आता है फिजिकल, दूसरा चेंज अपने को आता है केमिकल चेंज। और जब फिजिकल चेंज आता है तो कहीं ना कहीं कंपोनेंट अपनी आइडेंटिटी में बीपी और एमपी निकालना है, डामास निकालना है, डेंसिटी निकालना है, तो उस दौरान कंपोनेंट के अंदर कोई चेंज आइडेंटिटी में कोई बदलाव नहीं होता। किसकी आइडेंटिटी में? मैटर की आइडेंटिटी में। जो भी रिएक्टेंट मैटर आप लोगे उस मैटर या कंपोजिशन की आइडेंटिटी में कोई बदलाव नहीं आता। अगर वही मैटर या कंपोजिशन अगर आपने केमिकल चेंज के अंदर पार्टिसिपेट करवा दिया तो ड्यूरिंग द प्रोसेस रिएक्टेंट कंपोनेंट क्या करता है, अपने आप को चेंज कर लेता है प्रोडक्ट में। और जब ऐसा होता है तो ऐसे में बहुत से एग्जांपल आपको समझाने वाला हूं जहां पर एक रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में चेंज होता है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की आइडेंटिटी क्या होती, बिल्कुल डिफरेंट होती है। अब ऐसा ही ये प्रोसेस जो है केमिकल रिएक्शन जो होता है वो हमारी डेली लाइफ में भी कहीं ना कहीं यूज होता है, ठीक है। डेली लाइफ में क्या होता है सर, ये कहीं ना कहीं यूज होता है। जैसे डेली लाइफ में कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जहां पर डेली लाइफ में चीजें अपने को देखने को मिलती हैं, जैसे फूड डाइजेशन। जब फूड डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर तब भी अपने को केमिकल चेंज नजर आते हैं, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं कि जब कार्बोहाइड्रेट जब हम लेते हैं तो जनरल अगर लास्ट वाली रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज अपने आप को जब डाइजेस्ट करता है पानी के साथ में तो ये चेंज किसमें करता है, एल्कोहल प्लस में किसमें चेंज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये केमिकल चेंज हुआ कि नहीं हुआ, कि ग्लूकोज ने अपनी आइडेंटिटी क्या कर दी सर, देखो लॉस कर दी, ठीक है। तो फूड डाइजेशन को लेकर हम बात कर सकते हैं। एक होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है,
फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो बियर वगैरह सैंपेन वगैरह बनाने में जो लिक्वर होते हैं उनको बनाने में यूज होता है। तो गला के चढ़ा करके जैसे बियर से दारू जो से दारू बनती है ना, तो वो वाला टर्म यहाँ पर हो सकता है, ठीक है, फर्मेंटेशन प्रोसेस। तीसरे इसमें अगर हम बात करें खाने का बनना, ठीक है, तो ये सब चीजें जो है ये ऐसे प्रोसेस है जहां पर किसी के अंदर फिजिकल चेंज आ रहा है, किसी के अंदर क्या आ रहा है, केमिकल चेंज आ रहा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है वो मैंने आपको समझा दिया, देखो अगर नजर मारो इस पे। ठीक है भाई, तो आई होप चीजें यहां तक क्लियर हो गई होंगी। तो मैं दोबारा बताता हूं, केमिकल रिएक्शन एक ऐसा फिनोमिना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर एक इनिशियल कंपोनेंट अपने आप में क्या करता है, अपने आप को चेंज करके फाइनल प्रोडक्ट में बदल देता है। मतलब इनिशियल का फाइनल में चेंज होना ड्यूरिंग द प्रोसेस, और जब वो फाइनल में चेंज होता है तो जो चेंजमेंट आते हैं वो चेंज दो तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंज। इसमें कहीं ना कहीं इनिशियल कंपोनेंट जब फाइनल में चेंज होता है तो कहीं ना कहीं कभी कभी अपनी आइडेंटिटी चेंज भी कर लेता है, कभी कभी नहीं कर पाता। जहां फिजिकल की बात की जाती है वहां पर आइडेंटिटी में ज्यादा बदलाव नहीं होता है, पर जहां केमिकल चेंज की बात की जाती है तो वहां पर एक इनिशियल कंपोनेंट डायरेक्ट फाइनल में जब चेंज होता है तो उस दौरान इनिशियल और फाइनल दोनों की आइडेंटिटी में क्या आता है, सर बदलाव आता है। जिसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो डेली लाइफ में अपने भोजन का डाइजेस्ट होना, फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जो बियर सैंपेन लिक्वर बनाने में यूज होता है, दूसरा तीसरा जो है फूड खाने का पकना भी क्या है एक टाइप का केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, ये बात की हमने इसके अंदर। फिर बोला कि सर खान यहाँ केमिकल रिएक्शन जब होती है तो वहां पर अपने को जनरल रिएक्शन के अंदर चार बदलाव नजर आते हैं, जो चेंजमेंट नजर आते हैं। तो एक तो फिजिकल और केमिकल चेंज तो अपने को देखा ही देखा है, ठीक है, तो इन फिजिकल और केमिकल चेंज के अंदर मेन चार चेंज क्या आते हैं, ओवरऑल अगर चेंज की बात करें तो क्या क्या चेंज अपने को नजर आते हैं उसकी मैं बात करता हूं। तो देखना भाई अपने पास में क्या है यहां पर, बस सर केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस, जब केमिकल रिएक्शन अगर होती है तो क्या होता है, ठीक है, तो उसमें पहला बदलाव जो अपने को नजर आता है वो आता है किस में बदलाव, वो सर स्टेट में बदलाव, यहां पर चेंज इन स्टेट। तो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की स्टेट जो होती है उसमें बदलाव नजर आ सकता है। दूसरा अपने पास में चेंज इन कलर, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो होता है उनकी कलर में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है, ठीक है। तीसरा क्या होता है, बस तीसरा ऐसा प्रोसेस, ऐसे केमिकल प्रोसेस होते हैं जहां पर रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट बनता है तो वेराइटी ऑफ गैस क्या होती है, इवोल्व होती है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस इन ए गैस, कहने का मतलब ड्यूरिंग द प्रोसेस किसका निकलना, गैस का निकलना, ये भी क्या है एक टाइप का केमिकल चेंज है। और चौथा जो अपने पास में होने वाला वो है यहां पर चेंज इन टेम्परेचर, एक बदलाव क्या आ सकता है, चेंज इन टेम्परेचर। तो मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन जो ओवरऑल चेंजमेंट नजर आते हैं वो स्टेट को लेकर के आ सकते हैं, कलर को लेकर आ सकते हैं, वो ड्यूरिंग द प्रोसेस बहुत से ऐसे प्रोसेस होते हैं जहां पर गैस इवोल्व होती है वो चेंज नजर आ सकता है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव आ सकता है। तो यहां कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन क्या करती है सर, वर्किंग और प्रोसेस के अकॉर्डिंग चीजों को समझाई जाती है, ठीक है, तो ये बात की हमने इसके अंदर। अब मैं बता देता हूं कि केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ये केमिकल रिएक्शन थी, अब बात करते हैं इक्वेशन की। तो इक्वेशन का मतलब उस होने वाले प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, सर केमिकल इक्वेशन है क्या, कैसे होती है, तो अगर हम बात करें तो वर्ड ऑफ इक्वेशन का मतलब है, वर्ड ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट चेंजमेंट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट में क्या होना, चेंज होना, और ये जो चेंजमेंट है ये किसके थ्रू रिप्रेजेंट करना, एक एरो के थ्रू, ठीक है। मतलब यहां पर इन बिटवीन जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जो होता है उस चेंजमेंट को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, और उनके बीच में ये क्या लगा हुआ है सर, एक एरो के थ्रू, मतलब एरो जो होता है वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के होने वाले चेंजमेंट को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो मतलब एक केमिकल जो इक्वेशन होती है उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या हो सकता है अपने पास में यहां पर, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रिप्रेजेंट करेंगे, एक तरफ रिएक्टेंट साइड है दूसरी तरफ क्या अपने पास में प्रोडक्ट साइड है। तो यहां पर ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का क्या आया, चेंजमेंट आया, तो हमने किससे रिप्रेजेंट किया इसको,
एरो से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो एक बार देखना इसको एक बार। तो मतलब क्या हुआ कि रिएक्टेंट से क्या होना, प्रोडक्ट जो चेंजमेंट आता है उस चेंजमेंट को थ्रू द एरो क्या करना, रिप्रेजेंट करना, यही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। तो एक केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। कि मान लो कि ये मेरे पास में ए है, ये बी है, दोनों आपस में मिलेंगे, ये रिएक्टेंट साइट है, रिएक्टेंट साइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। ये बना क्या रहा है, सी प्लस डी, ये चेंजमेंट हो रहा है यहां पर। ठीक है, ये क्या है सर, प्रोडक्ट साइड है। ठीक है, ये कैसे साइड है, बस ये राइट हैंड साइड है। ठीक है, ये एरो है, ये एरो जो होता है वो क्या करता है, बोल एरो जो है वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट किसको, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को, कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसा है। और ये डायरेक्शन दो प्रकार का होता है, दो टाइप से होता है, एक अभी फिलहाल जो हो रहा है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन है। तो कई रिएक्शन ऐसी होती है जहां पर प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट भी बन जाता है, उसको बोलते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एक डायरेक्शन फॉरवर्ड, दूसरा डायरेक्शन बैकवर्ड। तो ये जो एरो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझे मेरी बात को, टर्म को लेकर अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहां पर अगर और कॉमन सी बात है, जब रिएक्टेंट जुड़ता है प्रोडक्ट बनाता है तो यहां पर ये कॉम्बिनेशन प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है कि भाई कंबाइन हो रहा है। समझे मेरी बात को, तो ये एक तरीका होता है किसी भी रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का, कि क्या रिप्रेजेंटेशन है। बट व्हाट इज केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन होता है किसी भी रिएक्शन को क्या करना, रिप्रेजेंट करना, कि एक साइड में रिएक्टेंट, दूसरे साइड में प्रोडक्ट, लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट प्रोडक्ट, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट, दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश करने के लिए एरो रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि रिएक्टेंट ही चेंज किसी में होता है, प्रोडक्ट में होता है, तो उनके बीच में एरो क्या रिप्रेजेंट करता है, कि रिएक्शन का डायरेक्शन किधर से किधर जा रहा है, कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनता है। तो उस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम कौन करता है, एरो करता है। डायरेक्शन दो ही प्रकार के होते हैं, एक बैकवर्ड, एक क्या होता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है। तो यहां अपने को हमने रिप्रेजेंट किया है किसको, फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन को क्या किया हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया। अब आगे कह रहा है कि सर यहां पर जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल अगर आपको समझाना हो तो सर कैसे समझाएंगे, मैं समझाता हूं देखना। जैसे अगर मैंने बात करी किसको लेकर की, Mg हाफ ओ टू बन गया, MgO बन गया प्रोडक्ट। इसके अलावा अपने पास में क्या है, जिंक प्लस में H2SO4, क्या बनेगा, जिंक सल्फेट प्लस में H2। तो ये रिएक्टेंट साइड थी, ये कैसी साइड है, प्रोडक्ट, दोनों डिफरेंट है, ये डायरेक्शन है कि किधर से किधर रिएक्शन प्रोसीड वेरी कर रही है। तो इसको बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन समझ गए होंगे कि भाई रिप्रेजेंट करते हैं किसको, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब टेकिंग प्लेस ऑफ रिएक्शन वेरी करती है तो उसको रिप्रेजेंट करना, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना और प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में रिप्रेजेंट करना। तो ये सारा का सारा टर्म क्या कहलाता है सर, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। अब सर केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे करते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको और सिखाता हूं, देखना। तो बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन कैसे बैलेंस करते हैं समझना। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इसकी बात करें सर, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, कि कोई भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, तो उसके लिए अपने को ना एक लॉ याद रखना पड़ता है जिसका नाम है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, किसको याद रखना पड़ेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास को, ये लॉ आपको याद रखना पड़ेगा। इस लॉ में क्या कहा गया है, बोल सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा गया है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर, कोई भी अगर रिएक्शन होती, जो रिएक्शन होती है, तो उसमें कहने का मतलब ये कहता है कि जो मास होता है ना वो नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, कि किसी भी कंपोजिशन का जो मास होता है उस मास को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ना ही क्रिएट कर सकते हैं। समझे मेरी बात को, कि कहने का मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास जो होता है ना वो कभी भी टूटता नहीं है ना ही कभी
बनता है। अगर मान लो कि कोई भी रिएक्शन अगर अपने पास में कार्बन प्लस में ओ टू, अगर सीओ टू अगर हो रही है तो सीओ टू बन रहा है, तो यहां पर जितना मास इधर है ओवरऑल उतना ही मास किधर है, इधर है, क्योंकि ये ही तो कहना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास का। क्योंकि जोड़ के देख लो कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 दोनी 32 कितना आ रहा है 44, और यहाँ जो कार्बन 12 ऑक्सीजन 32 कितना आ रहा है 44। तो एक रिएक्टेंट जब अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है तो उसके मास के अंदर कोई भी बदलाव नहीं आ रहा, तो इसलिए ये कहता है कि मास रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट मास नाइदर बी क्रिएट और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास ना ही क्रिएट होता है ना ही क्या कर सकते हैं डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये कहना था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का, और ये भी कहता है कि मास ऑफ रिएक्टेंट कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाते हो, कोई भी आप केमिकल रिएक्शन करवाते हो तो मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल हमेशा होना चाहिए मास ऑफ प्रोडक्ट के। अगर कोई भी रिएक्शन अगर आपने करवाई होगा, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में मास ऑफ टर्म अगर डिफरेंट डिफरेंट है, इसका मतलब आपका रिएक्शन बैलेंस नहीं है। अगर दोनों सेम है तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, बैलेंस्ड रिएक्शन कहलाएगी। समझ गए मेरी बात को? तो ये था लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, मतलब बैलेंसिंग रिएक्शन की पहली कंडीशन क्या होती है कि जब भी कोई रिएक्शन होती है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट के अंदर तो उस दौरान रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मास में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो इससे मतलब ये निकला कि मास जो होता है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कोई भी केमिकल रिएक्शन जो होती है उसके अंदर मास ऑफ बोथ साइड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, वो रिएक्टेंट साइड हो चाहिए वो प्रोडक्ट साइड हो, जिसका मैंने एग्जांपल एक देखी थी बताया आपको, वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो रिएक्शन बैलेंस, अगर ये मास अगर गड़बड़ हो रहा है तो समझ लेना कि आपने इक्वेशन बैलेंस नहीं किया है। तो ये बात की हमने यहां पर इस रिएक्शन को लेकर की। अब मैं इसमें आगे और चीजें थोड़ा सा एक दो स्टेप और बताता हूं कि कैसे कोई भी रिएक्शन अगर बैलेंस करनी हो तो कैसे आपको बैलेंस करनी है वो बताता हूं मैं। देखो भाई इस पे नजर मारो लॉ ऑफ कंजर्वेशन पे। ठीक है भाई, तो अब थोड़ा सा मैं बता देता हूं कि कोई केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करनी है। जैसे मान लो कि आपने कोई केमिकल रिएक्शन दे दी गई है तो उसके लिए ये पहला रूल तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, समझे मेरी बात को, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है कि मेरे पास में मान लो कोई केमिकल रिएक्शन दे दी गई, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ये दे रखा है एक एफ ई प्लस में एच टू ओ और ये बना रखा है एफ ई का 3O4 प्लस में एच टू। अब देखो इस रिएक्शन से अपने को पता नहीं लग रहा कि क्या बैलेंस करना क्या नहीं करना, तो ये कहना है कि ये रिएक्शन बैलेंस कब होगी, ये रिएक्शन बैलेंस तब होगी जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट मोल ऑफ नंबर ऑफ रिएक्टेंट अगर इक्वल हो जाए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट की, जितना टर्म यहां बन रहा है उतना ही इधर बनना चाहिए, तभी दोनों का मास मोल अगर सेम होंगे तो मास अपने आप क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा। तो इसको सर कैसे बैलेंस करें, तो इसके अंदर सबसे पहला जो काम है वो इसमें सबसे बल्कि ग्रुप को आप देख लो, तो बल्कि ग्रुप आपको यही नजर आ रहा है, ठीक है, चलो ठीक है। सबसे पहला बल्कि ग्रुप तो दिख गया, आप कह रहा कि सर रिएक्टेंट साइड में जो जो कंपोनेंट है उनको आप रिप्रेजेंट कर लो, आयरन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला नंबर ऑफ एटम लिखता हूं ये 1 है ये 2 है ये 1 मोल है। राइट हैंड साइड में अगर हम देखें तो सर ये 3 है ये 4 है और ये कितना है 2 है, समझे मेरी बात को। अब दोनों को कैसे बैलेंस करें कि रिएक्शन बैलेंस हो जाए, तो आपको सबसे पहले देखो इसमें जो सबसे बल्कि ग्रुप है उसको इंडिकेट करो, बल्कि ग्रुप यही है तो राइट हैंड साइड में आयरन कितने मॉलिक्यूल 3, इधर कितना है 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं कि बैलेंस हो जाए, पुशअप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 हो गया, आयरन हो गया बैलेंस राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। फिर दूसरी नजर आपको किस पे पड़ी, बस ऑक्सीजन इधर कितना यूज हो रहा है बस 4, इधर कितना अपने पास में यूज हो रहा है बस इधर ऑक्सीजन 1 यूज हो रहा है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन में यहां लिख देता हूं हाइड्रोजन यहां लिख देता हूं, ठीक है ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन कितना है 2, तो देखो आप यहां पर ऑक्सीजन 4 इधर कितना है 1, तो कितने से मल्टीप्लाई करो इधर वाली साइड में कि ये और ये बैलेंस हो जाए, तो बस 4 से, तो सर देखो 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, हाँ है ना, समझे मेरी बात को, तो इस तरीके से बैलेंस हो गया।
फिर ये कहता है कि सर अब हाइड्रोजन को देख लो, सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो बैलेंस है, पर यहां तो बैलेंस हो गया, पर ऊपर देखो पर एक बार नजर मारो, आयरन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, पर हाइड्रोजन सर इधर कितना हो गया, 4 × 2 = 8 हो गया, ठीक है, मतलब इधर कितना हो गया 4 × 2 = 8, तो उधर भी बैलेंस करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो ये आ गया 4H2, और ये आपका रिएक्शन क्या हो गया सर, बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से, और आप मास निकाल के देख लो, मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल है मास ऑफ प्रोडक्ट, देख लो नजर मारो अच्छे से आप, समझे, एटम सेम हो गए ना, नंबर ऑफ एटम अगर सेम है बोथ साइड, तो मास भी अपने आप क्या हो जाएगा सर, सेम हो जाएगा। एक एग्जांपल बैलेंस करने के लिए मैं देता हूं आपको, जो मुझे कमेंट बॉक्स में बैलेंस करके आप देंगे मुझे, ठीक है, तो मैं लिख देता हूं BaCl2+ में Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, मैंने बना दिया है BaSO4+ में AlCl3, तो इसको आप बैलेंस करके मुझे देंगे कि कैसे इसको बैलेंस करते हैं, किस तरीके से बैलेंस करते हैं। तो ये थी भाई आपकी केमिकल रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैसे बैलेंस रिएक्शन कैसे बैलेंस करते हैं वो मैंने आपको बताया। नेक्स्ट वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन की टाइप, की रिएक्शन जो होती है कितने टाइप्स की होती है, ये सब हम बारे में बात करेंगे। तो लाजमी चीजें समझ में आ गई होंगी, फिर भी किसी बच्चे को लगे कि सर डाउट है तो आप क्लियर करिएगा मेरे से, समझे, कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और नए वीडियो में नई क्लास के साथ में मिलते हैं, चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, ठीक है, लाजमी है तुम्हारा, ठीक है, हक है, तो इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय बाय।